आज हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र शबौर भागलपुर द्वारा चलाए जा रहे जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत गोराडीह प्रखंड के अंतर्गत तरछा गांव में आए हुए हैं, जहाँ पर धान की सीधी बुआई का प्रदर्शन किया जा रहा है। गांव में सामान्यतः होता यह है कि किसान धान को रोपाई करके पैदा करते हैं, जिसे धान की रोपाई करने के लिए लगभग 20 से 25 दिन पहले धान की नर्सरी तैयार करते हैं, उसमें खर्च लगता है उनका। उसके बाद धान की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करते हैं, 3-4 बार जुताई करते हैं, उसकी जुताई के लिए खर्चा लगता है। उसके बाद पानी लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है, इसमें लगता है। और तथा रोपाई के लिए लेबर बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिनकी अभी बहुत कमी है लेबर की। तो उन सबसे बचाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र शबौर द्वारा चलाए जा रहे ये परियोजना जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम में धान की सीधी बुआई का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम धान की सीधी बुआई, खेत को बिना जोते हुए हम धान की सीधी बुआई करते हैं। जैसे कि सामान्यतः किसान गेहूँ की बुआई करते हैं, उसी तरह से धान की सीधी बुआई करना है। उसके लिए हम सामान्यतः होता है कि हम सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं धान की बुआई के लिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें धान और DAP खाद मिलाया हुआ है, जो कि धान और DAP खाद साथ ही गिरता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही पौधे की धान की जड़ निकलती है, पौधे उसको लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पौधे का विकास अच्छा होता है, उसका जड़ का विकास अच्छा होता है। जिस कारण पहली बात उसमें गिरने का डर कम रहता है, गिरता नहीं है। दूसरा, धान की सीधी बुआई करने से सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा यह है कि इसमें धान की सबसे बुआई करने का फ़ायदा यह है कि इसमें जुताई का खर्च बहुत ज़्यादा बचता है। अगर खाली हम रोपनी से सीधे धान की सीधी बुआई करें तो लगभग 20% तक पानी की भी बचत होती है इसमें। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें ये धान है, धान की वैरायटी है राजेंद्र श्वेता है, जिसको हम राइजोबियम तथा क्लोरोपाइरीफास से उत्पादित किए हैं। क्लोरोपाइरीफास से इसलिए उत्पादित किया गया है, जिससे कि इसके चिड़िया इसको ना चुन सके। तथा क्लोरोपाइरीफास से उपचारित करने का महत्व ये है कि इसमें किसी प्रकार का रोग दोग अगर होगा तो नहीं लगेगा इसमें। और इसमें ये DAP डाला गया है, जिसमें देखिए DAP और ये धान दोनों पास में गिरने के कारण पौधे की जड़ निकलते ही अपना पोषण यहाँ से प्राप्त करने लगती हैं, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। धान की सीधी बुआई करने से पहले बीज को शोधित कर लें। बीज को शोधित करने के लिए सबसे पहले आप समझ लें कि FIR, F का मतलब होता है फंगीसाइड। फंगीसाइड से आज अगर आप उसमें बीज को शोधन करेंगे तो आप जो है दूसरे दिन उसमें इंसेक्टिसाइड यानी क्लोरोपाइरीफास से आप जो है उसमें इंसेक्टिसाइड जो होता है उससे आप शोधित करेंगे। और उसके बाद जो है एजेटोबैक्टर या PSB, यानी इसको जब बुआई करने अगर आप तीसरे दिन अगर बुआई करते हैं तो रात में इसको आप कर करके उसके बाद बीज बॉक्स में बीज को डाल करके और खाद बॉक्स में खाद को डाल करके बीज को, जैसे कि मल्टी क्रॉप प्लांटर है तो उसमें आपको कैलिब्रेशन एक बार देख लें कि कैलिब्रेशन में जो है कितना बीज आपको गिरा रहा है, और फिर उससे आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आपको महीन धान अगर लगा रहे हैं तो आप 8 से 10 किलो लगेगा, अगर आप मोटा धान का प्रयोग कर रहे हैं 12 से 15 किलो आप जो है प्रति एकड़ डाल सकते हैं, ऐसे आप 10 से 12 किलो भी उसको डाल सकते हैं।
अभी आप देख रहे हैं इस प्लॉट पर हम खड़ा हैं, इसको खेत को लेवल किया गया है और इसमें अभी 4 से 5 दिन पहले बुआई किया गया है। बुआई के उपरांत पेंडीमेथिलीन का छिड़काव किया गया है और पेंडीमेथिलीन का छिड़काव करने से होता है कि 12 से 15 दिन खरपतवार रुक जाता है निकलने के लिए। तो पेंडीमेथिलीन का छिड़काव किसान को उस समय करना चाहिए जब हमारे एरिया में मानसून नहीं आया हो, यानी कि अभी मानसून जैसे कि फर्स्ट वीक के बाद आ गया था, तो इसका प्रयोग जो है मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक तक ही पेंडीमेथिलीन का प्रयोग करें। अगर मानसून आ गया तो पेंडीमेथिलीन का प्रयोग नहीं करें। अगर आप जीरो टीलेज मल्टी क्रॉप प्लांटर से बुआई करते हैं जिस खेत में, तो अगर खरपतवार है वहाँ पर तो ग्लाइफोसेट छिड़क करके आप उस खरपतवार को मार दीजिए। अगर आज ग्लाइफोसेट छिड़काव करते हैं तो कल हो करके आप जीरो टीलेज मल्टी क्रॉप प्लांटर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि खरपतवार एक सप्ताह के अंदर जो निकला हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आप जो है फिर आप खरपतवार नाशी का छिड़काव करके आप उसको ख़त्म करेंगे। और जब वो 15 से 20 दिन के बाद खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे तो आपको कम से कम 35 से 40 दिन तक खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा और आप फसल में किसी भी फसल में अगर 35 से 40 दिन खरपतवार को अगर नियंत्रण कर लिए तो फसल को कुछ नुकसान नहीं होगा और धान की खेती अच्छी होगी, इससे ज़्यादा पैदावार भी होगा। तो आप धान की सीधी बुआई में बस इतना ध्यान दीजिए कि उस खेत पर होना चाहिए धान की सीधी बुआई जिनके पास 3 से 4 पानी अपने पास बोरिंग का हो, यानी आप अपने से पानी दे सकें। अगर वर्षा ना हो तो उसमें आप सबसे पहले बुआई करने से पहले प्री इरिगेशन यानी कि पहले पटवन करके आप जो है खेत को 1-2 दिन सुखा लें और उसके बाद जो है आप उसमें मल्टी क्रॉप प्लांटर से बुआई करें। और उसके बाद अगर बारिश नहीं होता है तो धान को जो है जर्मिनेशन होने के लिए या फिर किए गए जर्मिनेशन को बचाने के लिए आप फिर से इरिगेशन करेंगे। इसी तरह से किसान को 3 से 4 पानी रखना चाहिए अपने पास, तब ही किसान को करना चाहिए धान की सीधी बुआई।